गाइस आज ही वो दिन है जब मैंने अपना फाइनली होमवर्क कर लिया है और आज ही मंडे है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, मम्मी मेरे को आज ही स्कूल नहीं जाने देना चाह रही क्योंकि कल मेरा बुखार था ना, तो मम्मी सोच रही है कि आज मत जाओ, लेकिन मम्मी को क्या पता कि यार मेरा टेम्परेचर ठीक हो गया है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैम को होमवर्क दिखाऊंगा और क्लास में सबसे अच्छा बच्चा साबित होऊंगा, तो यार मेरे को मम्मी से बात करनी पड़ेगी। चलो भाई, देखो मैंने अपना होमवर्क सब कर लिया था, तभी तो मैं सो रहा था ना, तो मम्मी कहाँ है? अरे ये तो मेरा बाथरूम है। मम्मी 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 का रूम ये रहा। मम्मी, अरे मम्मी, वही मम्मी इतनी बड़ी है यार। मम्मी, मैं आपका अच्छा बेटा हूँ ना, और मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, तो क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? नहीं, तुम्हें बुखार है। मम्मी यार आप चेक कर लो, यार आप चेक कर लो, नहीं है मेरे बुखार। और मम्मी चेक कर रही है, 40 डिग्री सेल्सियस है तेरे को, तुम्हें बुखार है, तुम्हें रहना पड़ेगा। अरे यार मेरे को अपने आप को ठंडा करना पड़ेगा ताकि मैं बच जाऊं और मैं स्कूल जा सकूं। एक काम करते हैं ना, मैं सारी खिड़कियां खोल देता हूं, लेट्स गो। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए यार, 40 डिग्री सेल्सियस तो यस थोड़ा बुखार तो है, तो लेकिन खिड़कियां खोलूंगा तो मेरा टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा। ये मैंने अपने रूम की खिड़की खोल दी है, बाथरूम में तो खिड़की नहीं है, नहीं तो यहाँ पे वो लोग देख लो तो मेरे को ये ना कुछ करते हुए। मम्मी के रूम में खिड़की है कि मम्मी नहीं है, खिड़की नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो अभी मुझे हॉल की यहाँ पे खिड़कियां खोल देनी चाहिए। अरे 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 मेरा मुंह फंस गया था अभी, गो। यस, तो हमने अपनी घर की सारी खिड़कियां खोल दी है, अभी मेरा टेम्परेचर जरूर कम हो गया होगा। मम्मी अब आप मेरा चेक करो, मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं है। क्या? हाँ मम्मी आप मेरा टेम्परेचर चेक करो यार, अपने थर्मोमीटर से, मेरे ख्याल से आपका थर्मोमीटर टूटा हुआ है। ओके, लेकिन तेरे तो 38 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा कम है लेकिन बुखार है, घर पे रहना पड़ेगा। यार मेरे को लगता है मम्मी को कन्विंस करने के लिए लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी यार। गाइस मेरे को तो यही लगता है। लाइट्स ऑफ करने से क्या थोड़ी गर्मी कम हो जाती है? यस 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 यस। मम्मी आपके रूम में तो मम्मी वो पीछे देखो, अरे मम्मी पीछे कॉकरोच है। ओ हाँ ये देखो, अरे आप क्या मेरे को क्यों घूर रही हो यार, पीछे देखो ना, पीछे पीछे। हाँ अरे ओ भाई पीछे देखो, वाओ मम्मी देखा घूम गया। अरे नहीं था मम्मी कॉकरोच, वो मेरे को ऐसे ही लग गया है। बाय बाय, बंद। अरे मैं बाहर ही रह गया, बंद करो। हाँ हाँ हाँ, अभी और लाइट्स बंद करनी पड़ेगी यार, मेरे रूम में ये क्या लाइटें जल रही है भाई, इनको भी बंद कर दो। बाथरूम में तो कोई लाइट नहीं है, और यहाँ पर ये लाइट जल रहा है भाई, इसको भी यहाँ से बंद करना पड़ेगा, स्विच ऑफ। ये हो गया बंद, और यहाँ पर ये ऊपर में, भाई यहाँ पर क्यों लाइट जल रहा है भाई, दिन हो रखा है और यहाँ लाइटें जल रही है, इसको भी बंद करो यहाँ से। लेट्स गो, मैंने सारी लाइट बंद कर दी क्या? ये तो शायद लाइट, ओ ये वाली लाइट रह गई, इसको कर दो बंद। लेट्स गो, अब तो मेरा टेम्परेचर लाइट की वजह से और कम हो गया होगा, है ना मम्मी? मम्मी, हाँ बेटा, अब मेरा टेम्परेचर देखो आप। ओके, 34 डिग्री सेल्सियस, यस लगता कम हो गया है, लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है। मम्मी यार मैंने क्या बोलूं, लगता मेरे को सारे हीटर बंद करने पड़ेंगे। गाइस वहाँ पे जो चल रहा था ना दूसरी चीज, तुम लोगों ने बाहर में देखा था ना, ये देखो ये हीटर है यार, लेकिन हीटर तो मेरे को पहले ही बंद कर देना चाहिए था ना यार, मतलब ये क्या बात हुई है, लाइट से पहले तो हीटर बंद होता है। भाई ये नूबड़ा है, भाई ये नूबड़ा है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग है ना हीटर बंद कर देते हैं लाइट के बाद। बाथरूम में तो हीटर नहीं है ना? नहीं नहीं, बाथरूम में कुछ भी नहीं है, बाथरूम इज वेरी गुड प्लेस। तो यहाँ पर भी एक हीटर मैंने देखा था, ये रहा, इसे कर दिया जाए बंद। एक और हीटर बाकी क्या कहीं पे? ओ भाई यहाँ पर भी हीटर जल रहा है, बोलो मतलब यहाँ पे एकदम वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, यहाँ पर क्या करेगा हीटर, मेरी गाड़ी हीटर को लेके क्या करेगा बोलो, गाड़ी ऑलरेडी गर्म होता है, गाड़ी ठंडा होता है। चलो अभी मुझे और भी हीटर, भाई एक हीटर और कहीं पे तो चल रहा है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मम्मी के रूम में चल रहा है क्या? मम्मी के रूम में हीटर, ओ वो देखो वो बैठा वहां पे। मम्मी और पीछे देखो, और क्या पेंटिंग लगी
है जिसमें कुछ भी नहीं है। वाह मम्मी पेंटिंग देखा हमने, ये बंद कर दिया मेरे मम्मी। अब आप मेरा टेम्परेचर चेक करो, देखो मेरे को लगता अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपका थर्मोमीटर टूटा हुआ है। हैं? हाँ यार, आप मेरा टेम्परेचर चेक कर डालो यार, कर डालो। ओके मैं देखूं भाई, 28 डिग्री सेल्सियस भाई, अभी भी तेरे को बुखार है, तेरे को सोना चाहिए यार बच्चे। भाई ये क्या बात हुई यार, 28 डिग्री सेल्सियस तो ठीक ही होता है मेरे ख्याल से, एकदम नॉर्मल से भी बहुत कम है, लेकिन मम्मी को मनाना पड़ेगा ना, मम्मी बहुत केयर करती है। ये फैंस है ना, इनको चला दूं तो इससे ठंडक आ जाएगी। यस ये देखो क्या ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा आ रही है, क्या बात है क्या बात है। अगर सारे फैन ऑन कर दूं ना मम्मी, वो देखो धीमी धीमी हवा है, धीमी धीमी, शक मत करना। यहाँ पर भी मेरे रूम में भी है, ये देखो धीमी धीमी हवा खाएंगे हम। और यहाँ पर ये वाला फैन भी ऑन कर दो, और यहाँ पर सोफे के पास भी ऑन कर दो। अब तो मेरा टेम्परेचर हो चुका है बिल्कुल ही कम। अब तो मम्मी का मानना पड़ेगा, मेरे को स्कूल जाना है, होमवर्क चेक कराना है, मैम से मेरे को अपनी पढ़ाई सुननी है। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ क्या हो गया यार, तू सोया नहीं क्या अभी तक? नहीं मम्मी। आप मेरा टेम्परेचर चेक करो, 12 डिग्री सेल्सियस है बेटा, ये अभी भी दिक्कत दे रहा है मेरे को। क्या यार मम्मी, अभी भी सही नहीं है क्या यार? अब मेरे को क्या चीज और ठंडा कर सकता, मतलब मैं 12 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। एक काम करते हैं, फायरप्लेस। अरे हाँ, तुम क्या देख रहे हो बेटा, जाओ यहाँ से। गाइस हाँ हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, गेट बंद कर दो। एक चीज ध्यान नहीं दिया ना, ये देखो यहाँ पे आग जल रही है, शायद इसकी वजह से यहाँ रूम में ना थोड़ी गर्मी हो रखी है, मेरे को यही लगता है। तो अभी इसको बुझाना पड़ेगा है ना, तो एक काम करती है, यहाँ पे बकेट पड़ा है, मुझे पता है कि इसको कैसे बुझाना है, और यहाँ से भर लेते हैं पानी। ये आ गया इसमें पानी। बुझा दिया, अभी सब कुछ सही है। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो आप एक बार मेरा टेम्परेचर फिर से चेक करो। ठीक है, थैंक यू मम्मी। तुम्हारा टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है, अभी के अभी शावर लो, तुम बहुत जल रहे हो। यार ये एक अच्छा आइडिया है बस है? मम्मी अभी भी मान नहीं रही है, लेकिन शावर का आइडिया काफी अच्छा लगा मेरे को। मेरे रूम में बाथरूम है, और इसको कर देते हैं ऑन। अरे भाई ऑन हो जा भाई। अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई? ओह समझ गया क्यों नहीं ऑन हो रहा है। भाई मैंने पैजामा पहना है ना, पैजामा उतारना पड़ेगा, तो मेरे को अपने ड्रेसिंग रूम में जाके पैजामा उतार दिया मैंने। नीचे जूम नहीं करना, नीचे जूम नहीं करना। हाँ एक ऐसे बच्चे को क्या देख रहे हो नीचे से। अभी मैं जाके यहाँ पर ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर से नहाऊंगा, लेट्स गो। भाई पूरी ठंड लग गई, भाई पूरी ठंड लग गई। अब तो मैं एकदम चिल्ड एंड कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग हो चुका हूँ, है ना मम्मी? आपने बोला था कोल्ड शावर लेने का, मैंने ले लिया आई थिंक। अब आपको मेरा टेम्परेचर चेक करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं है। ओके मैं चेक करती हूँ। हाँ मम्मी, देखिए 0 डिग्री आया है भाई, मेरे जमाने में ना -2000 डिग्री होता था। अरे मम्मी, ओ मम्मी, आपके जमाने में -2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब पता है आपको -2000 डिग्री सेल्सियस का? कौन से जमाने की हो आप? कौन से जमाने की हो? इतना हाई, इतना लो टेम्परेचर है, इतना लो, ये कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है भाई? दिमाग खराब हो गया है यार मेरा, मतलब ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे आइसक्रीम पड़ा भाई, आइसक्रीम, यू स्क्रीम। भाई काम करते हैं, आइसक्रीम टेक लेते हैं, मेरा पेट ठंडा, मेरा शरीर ठंडा, सब ठंडा ठंडा हो जाएगा। आइसक्रीम खा गए भाई हम, आइसक्रीम खा गए, क्या बात है। लेकिन अभी भी उतनी ठंडक महसूस नहीं हुई है हमें, अभी और क्या खा सकते हैं हम, क्या खाएं? और ठंडा ठंडा पानी पी जाए क्या? हाँ ये सही करता है, हमको एकदम ठंडा पानी भर लिया है और इसको पी जाते हैं, क्या बात है यार। अब तो एकदम ठंडक वाली, मेरे को अंदर से एकदम ठंडा ठंडा वाइब आ रहा है मम्मी, समझे मम्मी? मैंने
ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरे को अंदर से ठंडी वाली वाइब आ रही है। सही बात है। ओके मैं चेक करती हूँ। अरे -5 डिग्री है यार। तो चिंता मत करो, मेरे को लगता है मम्मी नहीं मानने वाली है। मम्मी को अपने जमाने का टेम्परेचर चाहिए। काम करते है ना इस घर में ना वेंटिलेशन भी ऑन कर देते हैं। वेंटिलेशन समझते हो ना, ऊपर में ये देखो ये सब होता है वेंटिलेशन। इसको अगर मैं खोल दूंगा ना तो हवा आएगा। ये है वेंटिलेशन जिसको मैंने खोल दिया। अब इसके अंदर बर्फ डाल दूंगा ना तो वेंटिलेशन में से ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन मम्मी के सामने बर्फ कैसे डालूंगा मैं? पहले तो मेरे को बर्फ जमाना भी तो पड़ेगा, ये भी तो करना पड़ेगा। फ्रिज में बर्फ है क्या? फ्रिज में बर्फ ही नहीं है। तो बर्फ जमाने का तो एक ही कारण है भाई, पानी हमें लेना पड़ेगा। लेकिन पानी के लिए मेरे को आइस ट्रे चाहिए। ये रहा आइस ट्रे। भाई यहाँ पर क्यों पड़ा है? इसमें से पानी भरो। ये भर दिया मैंने, क्या बढ़िया तरीके से। देखो पानी भरा है, अब इसको डाल दो फ्रिज में। ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है और हो गया भाई इतना क्विक। लेट्स गो भाई, ठंडक छाई हुई है घर में। मम्मी मान नहीं रही है तो ऑब्वियसली बर्फ जल्दी से ठंडा हो गया है। अभी मुझे इसको वेंट में जाके डालना है। मम्मी अब देखो आपके रूम में क्या ठंडक छा गई है ना, अब तो आपको भी फीलिंग आ रही होगी, है ना मम्मी? है ना, क्या बोलती हो? अब तो देखो घर में एकदम ठंडा ठंडा इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब अपने थर्मोमीटर से चेक करो। ओके -10 डिग्री। जाओ मेरे रूम से, जाओ जाके सो जाओ। अबे यार ये तो बहुत सीरियस हो गया यार। मेरे को लगता है कि अब मेरे को ना अपने पीछे में एक मेरा रॉक हीटर है, इस घर के पीछे ही एक हीटर है रॉक हीटर, जिसको उड़ा देते हैं तभी मम्मी मानेगी। मम्मी नहीं मानने वाली। नहीं तो ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे घर के बाहर जाता हूँ ना मैं। अरे भाई 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 यहाँ पे तो पूल भी है, लेकिन यहाँ मतलब ये है रॉक हीटर, ये यहाँ से घर में हीट जाता है तो मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगा भाई। आज तो यही करने वाले हैं। ये देखो डायनामाइट है यार। अरे डायनामाइट मेरे से बातें कर रहा है, ये क्या हो गया डायनामाइट को? डायनामाइट जल जा, लेट्स गो। ये चला रहा मैं। ओ भाई रॉक हीटर चला दिया मैंने। ओ माय गॉड लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई 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 जल तो गया। और देखो सब जगह ठंडक छा गई है यार, अब तो मम्मी को मानना ही पड़ेगा। यस यस लेट्स गो मम्मी। ये देखो मम्मी आपका बेटा एकदम ठंडा हो गया है, टेम्परेचर चेक किया जाए। -220 डिग्री। सोजा अभी बहुत ही ज्यादा बुखार है तुम्हें। अरे भाई 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 -2000 ही करना पड़ेगा क्या आज तो मेरे को? भाई मेरे को और ठंड चाहिए। घर तो मेरा पूरा नीला हो गया है, घर में हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, यहाँ पे तो हिमालय से ज्यादा ठंड हो गया है। लेकिन मम्मी नहीं मान रही है, मम्मी को मनाना पड़ेगा यार। अभी वो जो पूल देखा था ना मैंने, मेरे को लगता है उस पूल में कुछ करना चाहिए मेरे को, है ना? ये अब तो यही मेरे पास एक नया आइडिया है, और तो कुछ है नहीं। इस पूल में मैं ठंडा पानी डाल दूं, लेकिन वो तो मैंने बाथटब में करके देख लिया। एक काम करते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना है तुम लोगों ने? गाइस लिक्विड नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ठंडा होता है। वो ये रहा हमारे घर में पड़ा है, ये देखो इसका सिलेंडर है, ये बहुत ही खतरनाक सा। ये मैंने उठा लिया और अब भाई अब बहुत ही भारी है यार, ये देखो इतना भारी सिलेंडर। ओ भाई भाई मुझे दर्द हो रहा है रे, इतना दूर जाना पड़ेगा। और मैं अपने पूल में जाके उसे डाल दूंगा और फिर मैं उसमें नहाऊंगा। तो चलो लिक्विड नाइट्रोजन से भर दिया जाए पूरे पूल को। और ये भर गया, देखो पूरे यहाँ पे सब जगह ठंड छा गया है। मैं फटाक से डुबकी लगा लेता हूँ। ये ओ भाई मेरी जान चली जाएगी भाई। अब मम्मी को बताता हूँ मैं। मम्मी अब मेरा टेम्परेचर जब अगर आप चेक करोगे भाई, घर देखो आप, अब तो आपको फील नहीं हो रहा क्या? मम्मी देखो देखो मेरा टेम्परेचर चेक करो। नहीं मम्मी यार मारो ना यार, प्लीज यार। ठीक है -320 डिग्री, अभी भी थोड़ा बुखार है बेटा, सो जाओ बेटा। मम्मी को कैसे मनाऊं मैं? मेरे को लगता है एक दुकान है यार बाहर में, उसे मुझे चेक करना चाहिए। ये देखो बाहर में एक दुकान दिख रही है। अरे यहाँ पर ये बड़े बड़े पंखे बेचता है भैया। अरे भैया, ओ भैया, अरे भैया ने सर पे क्या लगा रखा भैया? अरे भैया सर पे तवा लेके बैठे हो आप, क्या कर रहे हो भाई? भैया भैया सो रहे हो क्या? क्या चाहिए तुमको? अरे सर मेरे को ऐसा कुछ दे दो जिससे ठंडा हो जाए। उसका दाम मैंने 10 लाख पड़ेगा, ठीक
है। ओके, मैं तुम्हारे घर पे डिलीवरी कराता हूँ। और ये डिलीवरी आ रहा है पंखा का, लेट्स गो भाई। इतना बड़ा पंखा, वो भी वो एयर बलून सा है। और देखो घर में क्या ठंडक छाई है भाई, क्या बात है भाई। विंड मिल लगा लिया है हम लोगों ने घर में गाइस। तालियां होनी चाहिए, लाइक होना चाहिए इस विंड मिल के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि पूरा देखो एनवायरमेंट देखो यार, क्या बात है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, बिल्कुल कूल। मम्मी जी अब तो देखो यार, अब तो आपको फील नहीं हो रहा क्या ठंडक? नहीं नहीं मेरे को तो नहीं हो रहा, मेरे को टेम्परेचर देखने दो। अरे मम्मी करो यार, अब तो टेम्परेचर चेक कर ले यार, अब तो मैं एकदम श्योर हूँ। -1020 डिग्री है बेटा, अभी भी तुझे पुकार है, घर पे रहो। अरे भाई 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 भाई, अब तो भगवान ही बचा सकता भाई, अब तो भगवान ही बचा सकता मेरे को, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे को भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान ए भगवान, भगवान ओ भगवान प्लीज मदद करो। अरे भगवान सो रहे? ओ क्या कर रहे हैं आप यार, भगवान ऐसे सोते नहीं है यार। अरे भगवान जी उठ जाइए यार प्लीज। अरे किसने मुझे उठाया है यार, मैं सो रहा था यार। अरे भगवान सॉरी यार, मैं हूँ यार प्लीज, मेरे को ना हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप बर्फ बरसा दो आज, एकदम बढ़िया सा बर्फ डाल दो। ठीक है कर दूंगा। वाओ ये इतना इजी था क्या? भगवान मान गए एक ही बार में? कैसे भाई? वाओ यार भगवान बहुत दयालु होते हैं यार, श्री राम की माया। कहीं धूप और कहीं बर्फ। गाइस गाइस देखो गाइस, बर्फ पड़ रही है भाई, पूरा आंगन ठंडा हो गया है, क्या बात है यार, मजा आ गया। भगवान बड़े दयालु है यार। चलो 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 चलो, मम्मी 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 देखो देखो देखो, भगवान तक मान गए मम्मी। अब तो एक प्रोबेबिलिटी है कि हमको बुखार है। मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ, -2020 डिग्री। तुम्हें फीवर नहीं है? मैं मजाक कर रही हूँ। मतलब आप ही ने तो बोला था ना -2000 डिग्री, तो मेरा तो -2020 हो गया। लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही अभी भी यार। मम्मी को क्या हो गया यार इतना ज्यादा? अभी मेरे को और कहाँ से ठंड लाऊं यार, अब भगवान से ज्यादा ठंड मेरे को कौन दे सकता है, कौन दे सकता है मेरे को भगवान से ज्यादा ठंड। अरे एक और भगवान है, उनको मैं कैसे भूल गया। गाइस तुम लोग एक और भगवान के बारे में जानते हो ना, वो है सूर्य भगवान, जिनकी वजह से दिन हो रखा है, तो आई थिंक उनकी थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ रही है, मेरे को उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए यार। एक काम करते ना, वो प्रार्थना से नहीं मानेंगे क्योंकि प्रार्थना तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैं उनकी तरफ चादर फेंक देता हूँ। ओके चलो मेरे को जाना है स्कूल, तो चादर हम फेंकेंगे जल्दी जल्दी, मेरे को हाथ घुमाना पड़ेगा, जल्दी करो। और जल्दी मैं जितनी तेजी से हाथ घुमाऊंगा उतनी जल्दी मैं यूनिवर्स के बाहर अपना चादर फेंक पाऊंगा, और वो सूर्य भगवान के आगे आ जाएगा, जिससे सारे जगह सनलाइट रुक जाएगा। ये देखो हमारा जा रहा है ब्लैंकेट, लेट्स गो। क्या बात है ना गाइस, क्या बात है। अब तो पूरा अंधेरा छा गया है, ये क्या बात है। अब तो मम्मी को मानना पड़ेगा, है ना मम्मी? हाँ, टेम्परेचर चेक करो, -12020 डिग्री। तुम्हें फीवर तो नहीं है, तुम स्कूल जा सकती हो। फाइनली फाइनली मम्मी मान गई, यस चलो हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ये हमारी स्कूल बस। चलो चलो, अरे 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 भाई ये देखो हम लोगों ने बर्फ जमा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बैड एंडिंग क्या होती, अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो क्या होता, अगर मैं मम्मी से ही बात कर लेता तो। मम्मी यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं घर पे ही रुक जाता हूँ। हाँ सही बेटा। हाँ मम्मी मेरे को यही लगता है। ओ बेटे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत टाइम से बताना चाहती थी। क्या मम्मी? कि मैं ना तुम्हारा पापा हूँ, पापा मम्मी नहीं। क्या है? हाँ बेटा कैसन बात, चल फुटबॉल खेलना चलेगा मेरे साथ हैं? नहीं ओ भाई ये क्या ये क्या हो गया भाई, धरती फिर से जम गई। लेकिन ये तो बैड एंडिंग थी गाइस, स्टोरी बताओ बहुत मजा आया। और लास्ट वीडियो तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहे हो, जाके देखो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, बताओ स्टोरी में तो तुम लोग को मजा आया, तो चलो फटाफट से क्लिक करो, इनमें मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।